नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम बताएंगे आपको ई रिक्शे के अंदर कंट्रोलर इंस्टॉल कैसे करें, कंट्रोलर की फिटिंग ई रिक्शे में कैसे करें। जैसे कि आपने मेरे इससे पहले वाले वीडियो में देखा था दोस्तों, कंट्रोलर के चेक करना कैसे, पता चेक करना तो कंट्रोलर की तारें कौन कौन सी है, कितनी वोल्ट कहाँ पर आती है। आज हम रिक्शे के अंदर आपको फिट करके बताएंगे, जो कि और चला के भी दिखाएंगे आपको दोस्तों। पकड़ो तो माफी चाहता हूँ, मेरे रोड के पीछे या मेरे दुकान के पीछे यहाँ पे हाईवे निकलता है दोस्तों, इसलिए थोड़ी आवाज़ में दिक्कत आएगी। लेकिन दोस्तों क्या करें, वीडियो तो बहुत ही मेहनत से बनती है दोस्तों, तो माफ़ करना दोस्तों, क्योंकि आवाज़ बहुत ही क्लियर नहीं आ पाएगी। तो आज आपको इंस्टॉल करना बताते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं, हॉर्न सेंसर का तार लगा लेते हैं दोस्तों, जिसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। कपलर टू कपलर मोटर वाली तारें हैं दोस्तों, और ये सॉकेट की तार है दोस्तों। देखिए ये है सफ़ेद रंग की मोटर की तार है ये, ठीक है, इसको हम लगा देते हैं। ये लग गया दोस्तों। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये टोटल की तार लगाएंगे। ये आपको हमने बताया था टोटल की तार है, मुट्ठी वाली तार है, इस पर लगाएंगे दोस्तों। देखिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी इसमें दो सॉकेट होती हैं दोस्तों, एक ही तरह की, एक तो एक कन्वर्टर के लिए होता है दोस्तों और एक मुट्ठी के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। कन्वर्टर के लिए जो दोस्तों होएगा उसमें लाल, काला और 48 वोल्ट, काला 48 वोल्ट, काला 48 वोल्ट और 12 वोल्ट की सप्लाई होगी दोस्तों, जो कि एक कन्वर्टर की तार में जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आपको मल्टीमीटर से काले पे लगा के 48 वोल्ट चेक कर सकते हैं। और ये टोटल का तो बिल्कुल ही आसान है दोस्तों, कपलर टू कपलर फिट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, काले में काला, लाल में लाल, और ये पल्सिस वाले तार पे सफ़ेद है दोस्तों। आगे हैंडल के पास भी आपको यही तार मिलेगा दोस्तों, तीनों रंग के यही मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट तार जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बैग का तार इंस्टॉल कर लेते हैं दोस्तों। देखिए बैग में ये तार लगेगा दोस्तों, हरा और ब्राउन, और ये पीला और काला वाला लगेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये वाले चाबी वाली स्विच का तार देखिए दोस्तों, ये यहाँ जाएगा, ये इसमें जाएगा दोस्तों। चाबी वाला स्विच को भी तार हम इंस्टॉल लगा लेते हैं, फिर आगे की प्रोसेस बताते हैं दोस्तों। ये पहले लगा लेते हैं, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया इसको, लाल लाल वाले को, और ये चाबी वाला तार है दोस्तों, जो चाबी ऑन ऑफ की स्विच है उससे डायरेक्ट आता है दोस्तों, 48 वोल्ट की तार है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको बता देंगे कि कंट्रोलर की वायरिंग के बारे में वीडियो डालूंगा पूरा डिटेल में दोस्तों, आपको वो देखना चाहें दोस्तों तो देख सकते हैं मेरा वीडियो दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, देखिए दोस्तों ये 48 वोल्ट है दोस्तों, ग्राउंड देखिए दोस्तों, यहीं से चार्जिंग का भी तार जाता है। ये देखिए चार्जिंग वाली सॉकेट है, थोड़ा सही से देखो, ये चार्जिंग वाली सॉकेट है, यहीं से ग्राउंड जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए काला लगा देंगे 48 वोल्ट की, ठीक है दोस्तों। ये देखिए 48 वोल्ट लगा रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन आपको डिटेल में समझाने के लिए पूरी वीडियो बनाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मैं स्टेप टू स्टेप आपको वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। ये मैं कनेक्शन यहां पे लगा लेता हूं दोस्तों, ये देखिए ये लग गया दोस्तों यहां पे। ये लाल वाला दोस्तों ये 48 वोल्ट में जाएगा दोस्तों, इस वाले में हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, पॉजिटिव चार्जिंग का तार अलग होता है दोस्तों, और कंट्रोलर का ऑन करने के लिए अलग होता है दोस्तों। चार्जिंग का तार होता है दोस्तों, वो MCB वगैरह से नहीं जाता, वो डायरेक्ट बैटरी से तार उसमें जाता है, चार्जिंग वाली सॉकेट में जाता है दोस्तों। और जो ये वाला होता है दोस्तों, वो डायरेक्ट उसमें जाता है दोस्तों, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये जैसे कि ये 48 वोल्ट डायरेक्ट है दोस्तों, ये बैटरी से चार्जिंग वाला तार है, 48 वोल्ट डायरेक्ट होता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी तार हमने कस दिया, चार्जिंग वाला तार है, ये खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कंट्रोलर अगर लगाना हो दोस्तों तो ये खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऐसे हो जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप, सबसे मेन तार दोस्तों आपको बताएंगे, मोटर की जानकारी देंगे दोस्तों, मोटर की कनेक्शन कैसे करें, सबसे मेन पॉइंट दोस्तों ये बताएंगे आपको। तो जैसे कि आप डालते हैं ग्रीन, येलो, ब्लू, यही तार सेम मोटर की तारें होती हैं दोस्तों। ये मेन कनेक्शन, आपको तीनों तार को कनेक्शन करके फिर आपको आगे समझाता हूँ दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों ये देखिए, हमने मोटर का कनेक्शन कर दिया दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये तार आपको चेक कराते हैं। देखिए दोस्तों, ब्लू ब्लू में
और ग्रीन ग्रीन में, येलो येलो में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और एक चीज और बता दे दोस्तों, अगर ये पैंथर की गाड़ी है, देखिए ये पैंथर की गाड़ी है दोस्तों, अगर इसमें डीसी कन्वर्टर ये खराब हो जाएगा दोस्तों, तो गाड़ी आगे नहीं जाएगा, रिवर्स होएगा, बैक में गाड़ी चलेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये डीसी कन्वर्टर को तो हमेशा मतलब कि तार लूज ना होए, और कोई भी तार इसमें कसिए दोस्तों, बिल्कुल ही अच्छे परफेक्ट तरीके से कसिएगा, और तार जितना टाइट हो सके उतना टाइट कीजिएगा, लूजिंग ना रहे दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कंट्रोलर खराब होने की या मोटर खराब होने की दोस्तों, तो लूजिंग की वजह से होती है दोस्तों सबसे ज्यादा। आप जैसे कि चलिए अब इसको गाड़ी को हम चेक करते हैं, तो अब हम इसको चाबी ऑन करते हैं। देखिए चाबी ऑन करने के बाद मीटर में लाइट आ गया, आप इसको थ्रॉटल घुमाते हैं दोस्तों, तो थ्रॉटल घुमाने पे देखिए पहिए की तरफ देखिए दोस्तों, व्हील की तरफ देखिएगा, ये देखिए दोस्तों व्हील चल रहा है, देखिए अभी रिवर्स करके देखेंगे दोस्तों, इसको हम रिवर्स करके देखेंगे, रिवर्स क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों रिवर्स भी काम कर रहा है। तो दोस्तों कल वाले जो कंट्रोलर में हमने कल शाम को जो वीडियो डाला था दोस्तों, ये वही वाला कंट्रोलर है जो रिपेयर हमने किया था, ये वही वाला है, आपको इंस्टॉल करके दिखाना था दोस्तों ये कंट्रोलर गाड़ी में चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आशा करता हूँ मेरे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों जिस वीडियो गाड़ी के ऊपर वीडियो चाहिए उस गाड़ी का नाम रखिए तो लिखिए दोस्तों, और प्रॉब्लम लिखिए दोस्तों, मैं उस वीडियो को बहुत जल्दी बना के आपके समक्ष पेश करूंगा दोस्तों। धन्यवाद।